वेब चालू करते हैं, क्योंकि बैठक प्रारंभ करने से पहले बैठक के 4:30 बजे निर्धारित थी। उन्हीं से चर्चा के कारण ये बैठक 17 बजे थी, हमने 18 किया और 2 बैठकें मेरे सर ऊपर आई। सुधारकर सब काम करने के कारण और उसमें अभी क्योंकि ये बहुत ही प्रारंभिक स्टेज है, अभी हम जमीन ही चिन्हित कर रहे हैं, पर उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि उसमें कुश्ती का भी या वॉलीबॉल का भी कुछ ना कुछ कोर्ट हम उसी में इंटीग्रेट करके और एक बढ़िया सुविधा दे पाए जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके। मैं बता रहा हूँ तो गृह गौशाला में क्या रहता है कि गृह गौशाला में लगभग 1.5 करोड़ का फंड रहता है, जिसमें कि बाउंड्री शासन से सम्मिलित नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने अभी जब अक्टूबर में बैठक की थी तो उसमें ये विषय संज्ञान में आया था, तो दो पहले से जो बनी हुई है गौशालाएं नेकनामपुर और एक और गौशाला है, तो उसमें हमने पूरा बाउंड्री ले लिया है और वहाँ पे काम भी शुरू हो चुका है, और चतुर्थी पोर्शन है उसमें साथ के साथ ही काम ले लिया ताकि जैसे जैसे गौशाला खत्म हो तो बाउंड्री का काम भी साथ के साथ हमारे में है जी जी। 17 बुरुज थी, हमने 18 किया और 2 बैठकें मेरे सर ऊपर आई। सुधारकर सब काम करने के कारण श्रीमती दशरथ सिंह जी, माननीय विधायकगण, श्री सुशील सिंह जी, श्री रमेश अग्रवाल जी, श्री कैलाश अग्रवाल जी, जिलाधिकारी श्रीमती ईशा गोहन जी और श्री शर्मा जी, हमारे जिले में उपस्थित हमारे जिले में चेयरमैन तथा केंद्र के सहायता प्राप्त जो योजनाएं विकास की होती हैं उनकी प्रगति की समीक्षा करने का क्रम है, और सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, और जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर घाटी के अंदर सुरक्षा का अच्छा वातावरण बनाया गया है। वहां घाटी में अब आतंकवाद पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, यह आतंकवादियों की बौखलाहट है, क्योंकि अब जनता वहाँ धारा 370 हटने के बाद से केंद्र के लाभ प्रत्यक्ष पा रही है। यहाँ तक कि बगल में गुलाम जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ की जनता आंदोलन कर रही है कि जितनी सुविधा भारत में मिल रही है जम्मू कश्मीर और घाटी के लोगों को उससे हम नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ आंदोलन हो रहा है, आप पढ़िए मीडिया की सूचनाएं, वहाँ पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पूरा नियंत्रण में है आतंकवाद पर, वह उनकी अंतिम बौखलाहट है, ऐसे आतंकवादियों को भी भारत सरकार नेस्तनाबूद करेगी। संजय राउत का एक बयान सामने आया कि प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन और रूस के मामले पर तो बोलते हैं लेकिन कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो सीमा विवाद है उस पर चुप्पी साधे रखते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र के सीमा विवाद पर भी कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, आपसी सहमति से इन सब समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, सरकार अच्छे से काम कर रही है इसलिए वो ऐसे खरोंचने का काम करता है, उसका कोई जनता पर प्रभाव नहीं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था लखनऊ में, उनका कहना है कि यूपी में जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था फेल है। चूंकि उनके जंगली लोगों पर कानून चल रहा है योगी बाबा का, इसलिए उनको जंगल राज दिखलाई पड़ रहा है। यूपी के कानूनी राज योगी आदित्यनाथ के कानूनी मॉडल का आज कई राज्य अनुसरण कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी शुरू किए थे उसी पीच पर बीजेपी भी काम करने जा रही है। देश में यात्राओं का कदम उठाना लोगों ने भाजपा से सीखा है, उसमें बहुत लंबी यात्राओं का क्रम है, सोमनाथ अयोध्या यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, सोमनाथ अयोध्या आडवाणी जी की अगुवाई में, भारत सुरक्षा राजनाथ जी की अगुवाई में, राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा डॉक्टर जोशी की अगुवाई में, हमसे लोग सीखे हैं, हमें क्या कुछ सीखा।